Now, question number 19 is, what do the members of your family do during these days? इन दिनों में आपके फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं? कौन से दिनों में? जब व्रत आती हैं, जो फेस्टिवल्स आते हैं उस टाइम पर. So answer, the family keep fast these days and worship the god, goddesses. इस दिन हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं क्या करती है हमारी फैमिली? फास्ट रखती है, व्रत रखती है और देवी देवताओं की पूजा करती है. दे ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट क्लोथ्स टू द पुअर पीपल. और इस दिन क्या करते हैं लोग? गरीब लोगों को क्लोथ्स भी बांटते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 20, मेक अ लिस्ट ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉट की लिस्ट बनानी है हमें. नंबर 1 राकेश शर्मा, नंबर 2 कल्पना चावला, नंबर 3 सुनीता विलियम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर द स्टार्स नॉट विजिबल ड्यूरिंग डे टाइम? दिन के समय स्टार्स दिखाई क्यों नहीं देते हैं, विजिबल क्यों नहीं होते हैं? आंसर, स्टार्स आर नॉट विजिबल ड्यूरिंग डे टाइम ड्यू टू ब्राइट सनलाइट. सनलाइट जो होती है बहुत तेज होती है, इसी कारण हमें दिन में स्टार्स दिखाई नहीं देते हैं. क्वेश्चन नंबर 22, विच प्लैनेट हैज अ रिंग अराउंड इट? कौन से प्लैनेट के चारों तरफ एक रिंग है? एंड आंसर इज सैटर्न, मींस शनि ग्रह. ओके. 23, व्हाई डज द मून लुक बिग एंड स्टार्स लुक स्मॉल? चंद्रमा यानी चांद बड़ा क्यों दिखाई देता है, स्टार्स यानी तारे छोटे क्यों दिखाई देते हैं, इसका रीजन क्या है? द स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अस. स्टार्स हमसे बहुत दूर हैं. स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, सो दे अपीयर वेरी स्मॉल. व्हाइल द मून इज नियरेस्ट टू अस, सो इट अपीयर्स बिग. नाउ क्वेश्चन नंबर 24, फ्रॉम वेयर डू द स्टार्स गेट लाइट? स्टार्स को लाइट यानी रोशनी कहाँ से मिलती है? आंसर, द स्टार्स हैव देयर ऑन लाइट. स्टार्स की अपनी खुद की रोशनी होती है, अपना खुद का लाइट होती है. 25 क्वेश्चन, फ्रॉम विच लाइट डज द मून शाइन? किस रोशनी से सूर्य चंद्रमा शाइन करता है? द मून शाइन्स फ्रॉम द लाइट ऑफ सन. मून सूर्य की रोशनी से शाइन करता है, चमकता है. क्वेश्चन नंबर 26, हु इज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो टू स्पेस? ऐसा कौन सा इंडियन एस्ट्रोनॉट है जो कहां गया है, पहले स्पेस में गया है? SPACEN क्वेश्चन मार्क. एंड आंसर इज राकेश शर्मा. क्वेश्चन नंबर 27, व्हाई इज द मून कॉल्ड द सैटेलाइट ऑफ अर्थ? मून को अर्थ का सैटेलाइट क्यों कहते हैं? द मून इज कॉल्ड द सैटेलाइट ऑफ अर्थ बिकॉज इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, क्योंकि ये अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ टू इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट्स के नेम बताने हैं, दैट इज कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर इन आवर सोलर सिस्टम? हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? तो आंसर इज 8. क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट वी कॉल अ कलेक्शन ऑफ 7 ग्रेट स्टेजेस कलेक्शन और कॉन्स्टिलेशन? 7 महान स्टेजेस का, 7 ग्रेट स्टेजेस यानी साधु, उनके कलेक्शन पर कॉन्स्टिलेशन को हम क्या कहते हैं? आंसर इज सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन या सप्तऋषि मंडल, यानी इसको हम क्या कहते हैं? सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन या सप्तऋषि मंडल भी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 31, विच स्टार ऑलवेज लाइज इन द नॉर्थ डायरेक्शन? कौन सा स्टार हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है? आंसर इज पोल स्टार. ओके. एंड क्वेश्चन नंबर 32, ऑन विच डे द मून इज कम्प्लीटली विजिबल? कौन से दिन मून हमको पूरा दिखाई देता है? आंसर पूर्णिमा, या हम कह सकते हैं ऑन फुल मून डे. एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर स्टूडेंट, दैट इज कि कौन से दिन मून हमें बिल्कुल इनविजिबल होता है? आंसर इज ऑन डार्क मून डे, मीन्स अमावस्या वाले दिन हमें मून इनविजिबल होता है. सो चिल्ड्रन, आवर चैप्टर कंप्लीट्स नाउ. दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस 25, एंड हियर यू कैन ड्रॉ अ वेरी ब्यूटिफुल सीनरी, सन, क्लाउड्स, रेन, some herbs, bushes, flowers, and this one is rainbow. And see, मैंने यहाँ पे mention किया है, mention the colors VIBGYOR, Vibyor, V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, okay, O for orange, R for red. तो Vibyor में यानी कि जो आपके colors होते हैं वो आपको इस rainbow के इसमें fill कर रहे हैं. And you can make it very beautiful. आपकी imagination भी आप use कर सकते हैं. Okay?